उत्तर प्रदेश की राजधानी में बजट पर सामाजिक संस्थाएं भी चर्चा कर रही हैं, जहां पर आरएमडी द्वारा भी बजट पर चर्चा की गई और महिलाओं के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका सामाजिक संस्था विरोध भी कर रही है। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। आज की बैठक जो थी हमारी महिला कल्याण समिति कार्यालय में जी। वो कुछ मुद्दों को लेकर थी कि आगे महिला कल्याण समिति और आरएमडी किन मुद्दों पे काम करेगा और जो सरकार की योजना है उसे कैसे क्रियान्वित करके लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। और हमारे साथ हैं एसएसपी ऑफिस काउंसलर पिंकी सुब्रा जी और साथ में नगर मंत्री भाजपा अनीता सिंह जी। हम आप सबको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो आज चर्चा किस विषय पर, महिलाओं की समस्या पर या बजट पर, किस तरह की नहीं चर्चा? सब पर था, थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक था हमारा। बजट पे भी महिलाओं का बजट, जैसे बजट पे चर्चा था महिलाओं को लेकर। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए बजट में कुछ है? जी है, और इसके विषय में अभी यही अनीता सिंह जी हमारे बीच में है, वो बताएंगी आपको। मैं अनीता सिंह, भाजपा नगर मंत्री लखनऊ से। आज जैसा कि विनीता जी ने हमें लोगों को बजट पे चर्चा के लिए बुलाया था, विनीता जी जो हैं वो उनका महिला कल्याण समिति है जिसको उन्होंने आरएमडी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि आओ बहन हम लोग बजट पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बजट के बारे में जानकारी लिया जाए, एक दूसरे के बारे में समझा जाए। तो हम लोग आए तो मुझे तो अपने, चूँकि हम भाजपा से हैं तो बजट तो हमारा बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। क्या है महिलाओं के लिए? जैसे हमने अभी पूर्व में उज्ज्वला योजना थी, तो हमें लगता है कि जितनी गरीब बहनें होंगी उन सब का उज्ज्वला योजना में गैस तो ज़रूर मिला है। अभी हमारे मोदी जी ने, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत गरीब लोग रहते थे, उनके पास खाता नहीं खुलने का था क्योंकि था ही नहीं, बेचारे अपना पैसा कभी साहूकार वाहूकार को दे देते थे तो उनके पैसे भी मर जाते थे। तो हमारे मोदी जी ने पहले सोचा कि लाओ चलो हम इन लोगों का खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाया। फिर उन्होंने सोचा कि बहनों को धुएं से वो दिया जाए मुक्ति, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना दे दी। फिर सोचा बहनों की कोई इज्जत नहीं होती है घरों में, तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, रिक्शा बांटा था, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, तो वो भी बहनों के हाथों में चाबियाँ दी थी, उन भाइयों को नहीं दी थी, क्योंकि हमारा जो भारत देश है पुरुष प्रधान देश है, उसी तरह से हमारी विनीता जी हैं। आज एक पुरुष प्रधान देश में हमारी विनीता जी जैसी बहन अपना आरएमडी चला रही हैं। हम कहते हैं कि ऐसे कुछ बहनें अगर हमारा निकलें और हम लोगों से जुड़ें, जैसे नदियां होती हैं बह के समुद्र में जाती हैं, ऐसे विनीता जी जैसी कुछ बहनों की हमें ज़रूरत है, जो निस्वार्थ भावना से, कोई उनका स्वार्थ नहीं होता, उसके बावजूद सबकी हेल्प करती हैं। उज्ज्वला योजना में किया, फिर इन कुछ बहनों को गाड़ी, मतलब बैटरी रिक्शा दिलाया, तो इससे हम बहनों का इज्जत, स्टेटस और घर में इज्जत बढ़ाया। पुरुष प्रधान देश होते हुए भी हमारा भारत में, फिर कुछ दिन बाद सोचा कि अरे लड़कियों को शोषण लड़कियों का हो रहा है, तो उन्होंने एक संस्था, एक वो चलाया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसमें हम विनीता जी हमारी शायद नगर सह संयोजक थी। तो इन्होंने अपने आरएमडी के साथ साथ भाजपा में नगर सह संयोजक की भी भूमिका निभाई और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर बहनों पे शोषण होता है तो हमारी बहन विनीता जी, हमारे बगल में काउंसलर बहन बैठती हैं सुब्रा जी, उनके यहाँ ले जाती हैं और सभी बहनों की हेल्प करवाती हैं, सहायता करती हैं। तो यही सब हम लोगों ने बजट पे चर्चा की, छोटी छोटी बातों पे। आज की बैठक विनीता श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में हुई है और आज की बैठक में महिलाओं के लिए जो भी हमारी सरकार योजनाएं ला रही हैं, उन योजनाओं को जन जन महिलाओं तक पहुंचाना और उनको बताना, ये हमारा महिला कल्याण समिति और आरएमडी दोनों कर रहा है, दोनों एक ही हैं और मिलके कर रहा है। और हम लोग जो है महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो प्रधानमंत्री ने सुकन्या योजना किया है, और एक योजना के बारे में और भी पता चला, सुमंगला योजना, जिसमें कि निम्न आय वर्ग की लड़कियों का
माता पिता के साथ उसका आधार कार्ड अटैच कर दिया जाता है और उनके खाते में गवर्नमेंट जो है पैसा भेजती है बेटी के फीस के लिए और किताब के लिए जी। वो उसके बारे में भी महिलाओं को बताया गया कि किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन उसका करें और किस तरह से आपको गवर्नमेंट से ऐड मिलेगा जी। तो यही हमारे एनजीओ का, राष्ट्रीय महिला दल का और ये महिला कल्याण समिति का, हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम तो शिक्षित हैं लेकिन जो हमारे समाज में जो कुछ निम्न तबके हैं, जिनके जहाँ शिक्षा का अभाव है, जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको जागरूक करने का प्रयास और उनको उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, वो हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक, महिलाओं में आखिरी सीढ़ी तक, समाज की आखिरी सीढ़ी तक हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे योगी महाराज का जो योजनाएं आती हैं उनको हम बताएं, उनको लागू करें और वो सुविधाएं उनको हम उपलब्ध कराएं, यही मेरी हमारा काम है। मैं सोनी शर्मा तुलसिका सेवा संस्थान की अध्यक्ष हूँ। विनीता जी समय समय पर स्त्रियों को जागरूक करने के लिए बहुत से प्रोग्राम करती रहती हैं जिसमें मुझे हमेशा बुलाती हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और जो भी ये लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी इनसे प्रेरणा लेती हूँ और इन लोग के साथ काम करती हूँ। दीदी शुभ्रा दीदी हैं जो कि SSP काउंसलर है और इनके सहयोग से हम लोग बहुत चीज़ें कर पाते हैं। कहीं भी हम लोग अटकते हैं, कोई भी नया केस आता है, कोई भी महिला प्रताड़ित होती है, तो हम लोग पहले दीदी से ही बात करते हैं और दीदी हम लोग को मार्गदर्शन देती हैं, और ईश्वर से यही कामना है कि इनकी संस्था बहुत आगे बढ़े और हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।